नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का फेयर कंपेयर चैनल पर एक बार फिर से। और आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है ओप्पो एनको बड्स के ऊपर। हालांकि आप में से काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये काफी पुराने ईयरबड्स है, 2021 में शायद ये लॉन्च हुए थे, उसके बाद अब जाके ये बता के क्या मतलब है। तो मैं आपको बता दूं यार, देखो मैंने ना बहुत ज्यादा रिसर्च करी, मतलब मुझे ऐसे हेडफोन्स चाहिए थे, ऐसे ईयरबड्स चाहिए थे एक्चुअली जो 2000 रुपए के अंदर हो, जिसमें अच्छा खासा ब्लूटूथ कनेक्शन हो, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी हो, और एक्चुअली मुझे चाहिए थे जिसकी बैटरी अच्छी चले, 4-5 घंटे चले। तो मैंने बहुत रिसर्च करी, उसके बाद पता चला कि यार 2000 के अंदर कोई हेडफोन, अगर आपको ईयरबड्स लेने, सॉरी हेडफोन्स बोल रहा हूँ, ईयरबड्स लेने, तो इनसे अच्छे कोई नहीं है। और लिटरली जब ये आए तो मैंने इनको अनबॉक्स किया ऐसे करके, वैसे अनबॉक्स में कर चुका हूँ तो वो दिखा के कोई मतलब नहीं है, और वैसे भी आपने बहुत सारी अनबॉक्सिंग इसकी देखी होगी, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू क्या है इसके लिए वो मैं आपको बता दूँ। इस तरीके का डब्बा आ जाएगा, ये कागज़ आ जाएंगे थोड़े बहुत, है ना, एक पुस्तक है बहुत बड़ी बड़ी, बट हम इनको कभी भी नहीं पढ़ते हैं, उनको रखते हैं बाजू में। अब ये इस तरीके के ईयरबड आपको मिलते हैं। एक दो चीज़ पैकिंग के बारे में थोड़ी बात कर दूं कि यार पैकिंग काफ़ी अच्छी है, बट चार्जिंग केबल नहीं दिया है तो थोड़ा सा बुरा लगा, बट क्योंकि हमारे पास फ़ोन वगैरह है सभी के पास और जिसके ऊपर चार्जर होता है, और क्योंकि निकालने में थोड़ी तकलीफ होती है, बट पीछे से आप इस तरीके से निकाल सकते हो, है ना, और इस तरीके की पैकिंग है, इसको भी बाजू में रख देते हैं। ये जो चीज़ है इसके साथ और थोड़े से बड्स दिए गए हैं जो आप इसमें फिट कर सकते हो, और क्योंकि हमारे फ़ोन्स को हम चार्ज करते हैं टाइप सी केबल से, आजकल सभी फ़ोन्स में आ रहे हैं, तो यहाँ पर टाइप सी का कनेक्टर आपको मिल जाता है, तो आपको चार्जर बदलने की या केबल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये आईफोन की तरह नहीं है, केबल तो आईफोन भी दे देता है, बट ठीक है। और अंदर की तरफ आपको ईयरबड्स मिल जाते हैं। अब एक एक करके बात करूंगा सब चीज़ों पर, और लास्ट में बताऊंगा एप्लीकेशन कौन सी है, कैसे कनेक्ट कर सकते हो, मोबाइल से कनेक्टिविटी कैसी है, साउंड क्वालिटी कैसी है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। अरे आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लो, किस चीज़ का वेट कर। बॉक्स की बात करता हूँ, कैप्सूल डिज़ाइन है, बढ़िया सा कैप्सूल ही दिख जाता है आपको, व्हाइट कलर का। एक चीज़ मुझे मतलब लगी कि अगर ब्लैक कलर हो जाए थोड़ा अच्छा लग जाता था, सिर्फ व्हाइट और स्काई ब्लू कलर में आते हैं, उस पर ओप्पो ब्लू कलर में लिखा रहता है, वो मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, तो मैंने बोला चलो व्हाइट ही लिया जाए। अभी ये है मेन प्रोडक्ट हमारा, जिसमें ओप्पो लिखा हुआ है ऊपर की तरफ, यहाँ पर आपको छोटी सी लिड मिल जाएगी जिसको आप इस तरीके से उठा सकते हो, नीचे एक लाइट जलता है जब भी आप इसको चालू करते हो, और नीचे की तरफ कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है जो आप शायद ही कभी पढ़ेंगे, मतलब अगर 2-3 साल भी यूज़ करते हो तो भी शायद ही पढ़ेंगे। अंदर की तरफ खोलोगे तो सबसे पहले मैं आपको ढक्कन दिखा दूँ इसका, कि इस तरीके से पैनल बना हुआ है, और यहाँ पर भी कवरिंग दी गई है, पता नहीं क्यों है, लेकिन अच्छा है फिटिंग के लिए, थोड़ा अच्छा हो जाता है, अगर हॉलो होता तो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होता। अभी इसकी मैग्नेट देखिए कितनी पक्की है, कि कितना भी इसको ऐसे तरीके से झटक लो अभी गिरता नहीं है, मतलब ये देखो ये ऐसा पूरा उल्टा कर दूंगा, झटक दूंगा, ये पर ये निकल के गिरते नहीं है। तो इनको मैं निकाल लेता हूँ बाहर, यहाँ पर एल और आर आपको दिख जाएगा कि लेफ्ट ईयर में ये लगाना है, राइट ईयर में ये लगाना, और इस तरीके के जो ईयरबड्स हैं, हाँ कुछ चीज़ें आपको लग सकती है कि यार वो डंडी रहनी चाहिए थी जिसकी वजह से थोड़ा अच्छा हो जाता, बट हाँ मैं बात करूंगा कि डंडी नहीं है तो कॉल पे कैसी बात हो रही है उसकी भी, तो आगे तक देखिएगा वीडियो को। अभी मैं कुछ इस तरीके से इसको लगा सकता हूँ, तो ये इस तरीके से उल्टे लगते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। फिटिंग काफ़ी अच्छी सी यहाँ पर आ जाती है, हल्के होने की वजह से अगर मैं इनको 4-5 घंटे लगा कर रखता हूँ, जो कि इनकी एक्चुअल बैटरी लाइफ है, मैंने कहा ना बैटरी लाइफ भी देखनी थी क्योंकि लंबे समय तक लगा कर रखना है, तो अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो यार 4-5 घंटे, अगर आप लगातार कॉलिंग पे हो तो भी 4 घंटे तो ये आराम से खींच लेता है, और लगा कर रखे हैं तो भी ये 4-5 घंटे का प्लेबैक आपको दे देता है, और कंपनी बोलती है 6 घंटे, जो कि ऑब्वियस है 1-2 घंटे तो कम ज़्यादा हो ही जाते हैं। इस केस में 24 घंटों का है, तो मतलब अगर आप इसको लगा कर रखते हो तो 24 घंटे तक भी जिंदा रहेंगे केस को, 24 घंटे बाद मतलब हर दिन में या 2-3 दिन में आपको चार्ज करना होगा, इतना ज़्यादा चार्जिंग कौन ही रखता है ईयरबड्स में, रात के समय थोड़ी इस्तेमाल करते हो, और करते हो तो अच्छी बात है। सबसे मेन मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि आ रहे हैं, मैंने खरीदे हैं लगभग 1500 रुपये में, ऑफर मिलता है तो 1100-1200 में भी मिलते हैं, और एक्चुअल प्राइस आप नॉर्मली डेज में देखने जाओगे तो ये 1800 रुपये में मिल जाते हैं, फ्लिपकार्ट अमेज़न पे भी अवेलेबल है, मैंने अमेज़न की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप इन्हें खरीद सकते हो अगर खरीदना चाहो तो, अभी 1600 रुपये में मिल रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है, दोनों ही कलर्स में अवेलेबल है, फटाफट जाके खरीद लेना। मुद्दे की बात यह है कि 2000 के अंदर ये ईयरबड्स है और मुझे भी लेने थे, तो मुझे एक चीज़ तो पता थी कि अगर मैं ईयरबड ले रहा हूँ तो मैं एक ऐसी चीज़ ले रहा हूँ जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा महंगी होती है, ऐसे दो ईयरबड्स आपको लेने हैं, तो 2000 के अंदर मैं साउंड क्वालिटी समझ सकता था कि नहीं मिलेगा, गेम मोड वगैरह तो चांस ही नहीं है, नॉइज़ कैंसलेशन तो बिल्कुल ही चांस नहीं है, बट इस वाले ईयरबड्स में आपको नॉइज़ कैंसलेशन मिल जाता है लेकिन कॉलिंग के समय, बाकी गाने वाने के समय में नहीं, लेकिन
नॉइस अवॉइड बहुत ज़्यादा कर देता है ईयरबड्स की वजह से। जब आप इसको साउंड पे अच्छे साउंड पे सुन रहे हैं तो बाजू में कोई आके आपसे बात भी करेगा, आप नहीं सुनोगे, आप अपने गानों में लगे रहोगे। ये इनकी खासियत है, ये मैंने रियलाइज़ किया है भाई लेने के बाद, तो ये मुझे अच्छा लगा। अगला है दोस्तों, इनके अंदर आपको गेम मोड मिल जाता है। अब गेम मोड क्या होता है ना कि आप सभी को पता, जब आप BGMI वगैरह खेल रहे हो तो गोली मारी दाएं से बजा, लेकिन आपके हेडफोन थोड़े स्लो थे, इनमें थोड़े देर से बजा, जिसकी वजह से अगर पीछे से किसी ने गोली चलाई है तो आपके मरने के बाद पता चलेगा। इसको कहा जाता है लेटेंसी, कितना लेट आपको आवाज़ आई। तो गेम मोड जब इसमें आप चालू कर देते हो ना, वैसे चालू करने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, बताऊंगा कौन सी एप्लीकेशन है आगे। तो जब गेम मोड चालू कर देते हो तो लेटेंसी इसकी काफ़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जैसे ही गोली चली है तो वो आधी दूरी भी नहीं पहुंचती और आपको आवाज़ आ जाता है, जिससे आप फट से वहां से हट सकते हैं और पीछे मुड़ के अपने दुश्मन को मार के गिरा सकते हैं। तो ये इसमें एक फीचर दिया गया है, मुझे अच्छा लगा, जो इस प्राइस बजट में शायद ही कोई हेडफोन्स या ईयरबड्स देते हैं। कॉल उठाने के लिए डबल टैप करके उठा सकते हो। यहाँ पर काफ़ी सारे सिस्टम दिए हुए हैं, देखो मैं बताऊँ आपको, यहाँ पर सेंसर लगे हुए हैं। मतलब आपको क्या करना है, इस तरीके से लगा कर रखोगे, डबल टैप करोगे तो किसी का कॉल उठा सकते हो, ठीक है। गाने बजाते समय आपके पास एप्लीकेशन है, उसके अंदर आप अलग अलग बटन पे सेट कर सकते हो। अगर आप इसे राइट वाले को दबा कर रखते हो तो वॉल्यूम अप होता है, लेफ्ट वाले को इस तरीके से दबा कर रखते हो तो वॉल्यूम डाउन हो जाएगा, ये आप कर सकते हो। अगर लेफ्ट वाले पर डबल टैप करोगे तो प्रीवियस सॉन्ग लग सकता है, आप सेट कर सकते हो एप्लीकेशन के अंदर, कैसे करना वो भी बताने वाला हूँ। और राइट को डबल टैप करते हो तो नेक्स्ट सॉन्ग लग जाता है, ये यहाँ पर फीचर दिया गया है। अगर ईयरबड्स लेने हैं तो मुझे आज तक इससे अच्छे साउंड क्वालिटी वाले ईयरबड्स नहीं मिले। इवन इसका सिर्फ 8mm का ड्राइवर है, 8mm के ड्राइवर के साथ ही इतनी अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं। लाउडनेस की कमी महसूस होगी, अगर आपको आदत है 4-5 हज़ार के हेडफोन्स इस्तेमाल करने की तो आपको बिल्कुल लाउडनेस की यहाँ पर कमी महसूस होगी, जो कि मुझे भी हुई थी फर्स्ट डे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लाउड नहीं सुनना चाहते हैं, इन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की है बेस से, इन्होंने बेस ना ज़्यादा बूस्ट किया है, तो जब आप गाने सुनते हो तो वहाँ पर बेस काफ़ी अच्छे तगड़े तरीके से आता है, वो आपको काफ़ी पसंद आएगा। जो मिड टोन्स हैं उनको थोड़ा सा दबा देता है, मतलब गाने वाने के बाद जो सिंगर गा रहे हैं उनके आवाज़ थोड़ी सी आपको अलग लग सकती है, लेकिन क्वालिटी में कमी नहीं आएगी, वो आपको लगता है थोड़ा अलग है अगर आप बहुत ज़्यादा ही म्यूजिक में घुसे हुए हैं तो, वरना तो नॉर्मली हमको अच्छा ही लगता है। बेस वेस बज रहा है बढ़िया, ट्रेबल काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल कहूँ अगर साउंड क्वालिटी, तो यार 2000 के बजट में ईयरबड्स में इस तरीके की साउंड क्वालिटी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके इनको मंगाया क्योंकि ये सबसे अच्छे माने जा रहे थे। इवन आप रिव्यूज़ पढ़ सकते हो, मेरे कुछ फ्रेंड्स के पास है जिनसे मैंने लेकर के सुना समझा तभी जाकर के लिया। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाके ले लो अगर 2000 में ईयरबड्स लेने हैं। बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की। पहले तो मैं कनेक्ट करके बता दूं कैसे करना है। तो मैंने अपना फोन ले लिया है, फोन को जिस तरीके से आप ले लेंगे, फोन लेने के बाद अपने को करना है अपना ब्लूटूथ चालू। ब्लूटूथ चालू करने के बाद ब्लूटूथ की मोर सेटिंग पर चले जाना है, ढूंढना है कहां पर है, इसको ढक्कन को खोल के रखना है ताकि ब्लूटूथ इसका भी रेंज में रहे, ढूंढो कहां पर है। और जैसे आपको मिल जाता है ओप्पो एनको बड्स, इस पर टैप कर देना है, ये कनेक्ट हो रहे हैं। फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा पेयरिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब पेयरिंग करने के लिए बोलेगा कि ऐसे ऐसे करना, ढक्कन खोल कर रखना, पेयर करो और पेयरिंग हो गई, इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन आपको बता दूं मैं, तो एप्लीकेशन का नाम है हे मेलोडी, स्टोर पर दिखा देता हूँ या उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना डायरेक्टली। ये एप्लीकेशन है, ईयरफोन का चिन्ह बना हुआ है, ओपन कर लेते हैं। इसको इंस्टॉल मैंने कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखता है 100% लेफ्ट वाले की बैटरी है, 100% राइट वाले की बैटरी है और केस की बैटरी 60% है, यानी कि 24 घंटों में से कुछ कम समय तक ये चलने वाली है। नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको गेम मोड नज़र आ जाएगा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है गेम मोड। इसको मैं चालू कर सकता हूँ, ये भाई साहब अंदर से बोलते हैं गेम मोड ऑन। फर्मवेयर अपडेट नीचे है तो वो तो हमको करनी नहीं फिलहाल। यहाँ पर आपको दिखेगा दूसरा ऑप्शन जिसमें ईयरबड्स कंट्रोल। पहली बात, सबसे पहला जो पेज खुलेगा वो इस तरीके से नहीं, कुछ इस तरीके से खुलेगा और आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा डिवाइस, तरीके से स्कैन करके आपका ये ईयरबड्स ढूंढ लेगा और फिर आप कनेक्ट कर लोगे। ईयरबड्स कंट्रोल्स पे जाओगे तो यहाँ पर कंट्रोल्स के ऑप्शन आपको सारे दिखाई देते हैं। लेफ्ट वाले में आप देख सकते हो सिंगल टैप लेफ्ट बटन से क्या होगा, आप यहाँ पर बता सकते हो कि भाई प्ले करना है, पॉज करना है या फिर नन, दो ही ऑप्शन है यहाँ पर। डबल टैप लेफ्ट ईयरबड प्रीवियस करना है, नेक्स्ट करना है, वो आप सेट कर सकते हो। जब ये डिफॉल्ट आते हैं तो यहाँ पर सिर्फ नेक्स्ट का ऑप्शन होता है, प्रीवियस का ऑप्शन नहीं होता, तो आप सेट कर सकते हो कि लेफ्ट वाले पे प्रीवियस, राइट वाले पे नेक्स्ट हो जाए। अगला है ट्रिपल टैप लेफ्ट ईयरबड, गेम मोड ऑन हो जाता है डायरेक्टली। टच एंड होल्ड से क्या होगा, वॉल्यूम डाउन होगा, ये यहाँ पर सेट पहले से आता है। राइट वाले में जाएंगे, ट्रिपल टैप करेंगे राइट ईयरबड तो भी गेम मोड ही ऑन होगा, लेकिन आप चाहें तो वॉइस असिस्टेंट यहाँ पर कर सकते हैं। वॉइस असिस्टेंट से क्या होगा कि आप बोल सकते हो गूगल से कि भाई ऐसा करना है, किसी को कॉल लगाना है, इसको चालू कर दोगे, ट्रिपल टैप करो, किसी को कॉल लगा दो, वो काफ़ी अच्छा आपके लिए हो जाएगा। और फिर वही सिंगल बटन पर क्या करना है, सिंगल बटन में प्ले पॉज का ही ऑप्शन है तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो। डबल टैप पर ये कर सकते हो कि नेक्स्ट ट्रैक चलाना है या नहीं चलाना है।
ठीक है, तो ये इतनी सेटिंग्स मिलेगी इधर तो अबाउट आ जाता है। तो एप्लीकेशन सिंपल सी है, ज़्यादा कुछ मूवी पिक्चर इन्होंने रखी नहीं है, लेकिन गाने के मामले में काफ़ी बढ़िया और ये करते हैं। तो बस दोस्तों यही था इनका रिव्यू, जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी। अगर कुछ छूट गया है और आपके पास ये एयरबड्स हैं तो आप भी बताइएगा। वैसे हाँ, एक और चीज़ मुझे बतानी है जो कि आजकल मैं सोच रहा हूँ बता दिया करूँ, कि सर्विसिंग की अगर बात करोगे तो ओप्पो की सर्विस काफ़ी अच्छी है। पहले भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मैंने इस्तेमाल किए हैं जो अच्छी खासी सर्विसिंग देते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है ये लोग सॉल्व करके दे देते हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस आपको मिलता है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी आपको कि मेरी चीज़ ख़राब है और 2-3 महीने मुझे परेशान किया जा रहा है, मैं कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और कोई भी कॉन्टैक्ट करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक करने के लिए तैयार नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ओप्पो एक जानी मानी कंपनी है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कुछ चीज़ छूट गई है तो वहाँ पर डाल देना। अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लेना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।